नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति कंतुआर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चांद पर फतेह के गवाह बनेंगे स्कूली छात्र। ये बड़ी खबर आपको बता रही जाए, स्कूलों में सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाएगी। आज शाम 5 से 6 बजे तक खुलेंगे स्कूल। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 5:20 से सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा और ऐसे में पीएम मोदी भी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही जहां जींद जिले में भी स्कूलों में लाइव प्रसारण दिखा जाएगा और ऐसे में चांद पर फतेह के गवाह बनेंगे छात्र। स्कूलों में सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि आज शाम 5 से 6 बजे तक स्कूल खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, तो सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और ऐसे में देश के नाम होगा पीएम मोदी का संबोधन। जींद जिले के 600 स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के सभी तैयारियां स्कूलों में पूरी की गई और ऐसे में आपको बता दें कि स्कूलों में भी सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग अब छात्र देख सकेंगे और ऐसे में आज शाम 5 से 6 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ यज्ञदत्त शास्त्री, मुकेश राजपूत, सरबजीत बाबा और हमारे सहयोगी परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चंद्रयान 3 की, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाएगी और ऐसे में किस तरह की तैयारियां स्कूलों में की गई है। दिखाई जाएगी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय जंगल नगर के सब्जी मंडी का जो स्कूल है वहां खड़ा हूँ और बच्चों को जो है अभी से ही आप देख सकते हैं कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर चंद्रयान 3 के बारे में जो है जितने भी न्यूज है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो होने जा रही है। और यह देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक देश के लिए बहुत, अगर बात करें तो बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो लोगों में जो जनता है, आम जनता है, उनमें तो क्या है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी काफी इस चीज को लेकर उत्साह है, क्योंकि वो इस बहुत बड़े महत्वपूर्ण जो है उसको अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान जो है वो सतह पर, चांद की सतह पर जो है वो उतरेगा, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है। हमारे साथ है शिक्षा अधिकारी, है हमारे साथ गौरव शिक्षा अधिकारी, उनसे बात करते हैं। टीओ जी, स्वागत है आपका। सर, आज जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही है, शिक्षा निदेशालय द्वारा जो है आदेश जारी किए गए कि सभी सरकारी स्कूलों में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाए, तो किस तरह की व्यवस्था है यमुनानगर की बात करें तो शिक्षा विभाग की तरफ से सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए कि सभी विद्यालयों में आज चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होनी है 5 बजे से लेकर 3 बजे तक इसकी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और सभी स्कूलों को डायरेक्शन जारी किए गए। सभी स्कूल अपने विद्यालयों में, सभी जो हेड्स अपने विद्यालयों में प्रबंध करें कि बच्चों को सही तरीके से व्यवस्था देखें कि ये टेलीकास्ट की व्यवस्था को दिखाया जाए। और इसके अलावा मैं आज इस मौके पर इसरो के जो वैज्ञानिक है उनको भी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी, ये बहुत बड़ी सफलता है। उससे पहले भी 2011 में चंद्रयान 1 भेजा गया था, जो सफलता चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, तो उनका देखा था कि वहां पर जल और ऊर्जा की खोज करना। चलिए बिल्कुल सरबजीत, और जिस तरह से स्कूलों में तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं, चलिए ठीक है परमजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जींद में भी 600 स्कूलों में लाइव प्रसारण की तैयारियां की गई है, छात्रों को वहां पर सीधा लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, किस तरह की तैयारियां फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जाहिर है देखिए आज जो है सभी तैयार स्कूलों में पूरी कर ली गई है। 600 स्कूल में आज जो है लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। करीब 5:30 पर जो है चंद्रमा की लैंडिंग होगी, उसको लेकर जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मैं फिलहाल जींद स्कूल है वहाँ पे मौजूद हूँ, तो बच्चे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है
आपने जो है उसके बाद लाइव प्रसारण आपको दिखाया जाएगा की जो प्लेटिंग जाएगी चंद्रयान मेरा नाम सविता राठौर है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीन से जो है आपके साथ जुड़ी हूँ। हमारे पास यहाँ जैसे बच्चे बैठे हुए हैं और जैसे सभी को पता है कि इंडिया में चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ, फिर चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ, जो तकनीकी कारणों के कारण 2 किलोमीटर पहले ही गड़बड़ा गया था। और हम खुश हैं कि अब जो है चंद्रयान 3 हमारा जो है जुलाई में लॉन्च हुआ, उसके बाद लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया अगस्त में 5 अगस्त को। और आज हम सौभाग्यशाली होंगे कि आज जो है शाम को उसकी लैंडिंग होगी लूनर ऑर्बिट में साउथ पोल के ऊपर, और हमारा कंट्री पहला कंट्री होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि वहां साउथ पोल पर लैंड करेगा। और हमारे बच्चे बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि लैंडिंग हो वहां सक्सेसफुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है जिससे हमें चंद्रमा की स्तर की जानकारी मिलेगी। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने इसरो ने जो है बहुत ज्यादा मेहनत की है। और देखिए इतना थोड़ा बजट था कि 615 करोड़ के बजट में पूरे वर्ल्ड में शायद कोई कंट्री ऐसा हो जिसने अपने मिशन को कामयाबी दी हो, क्योंकि हमारी तो एक मूवी आदि पुरुष जो है उसकी भी लागत इससे ज्यादा थी। हम धन्य हैं कि हमारे कंट्री में ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतनी कम लागत और इतनी अच्छी तकनीक से, जबकि हम चंद्रयान 2 में हम फेल होकर निराश हो चुके थे, उसके बावजूद हिम्मत दिखाते हुए थर्ड चंद्रयान लॉन्च किया। और आज हम सब प्रे कर रहे हैं बैठकर यहाँ कि जो है हमारे बच्चे चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग देखे और हमारे लिए पूरे गौरव की बात हो विश्व में कि साउथ पोल पर जाने वाला हमारा पहला कंट्री। इसके लिए हमारी डिजिटल लैब है, डिजिटल लैब में हमारे बिल्कुल परमजीत, और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह की तैयारियां स्कूलों में की गई हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज चांद पर फतेह के गवाह बनेंगे स्कूली छात्र, किस तरह का उत्साह छात्रों में देखने को मिल रहा है? देखिए जागृति, बिल्कुल आपको बता दें, आज जो है वो कहीं ना कहीं भारत देश के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जो है आज वो तमाम पूरा भारत देश देखने वाला है, और इसमें स्कूली छात्र भी जो है वो गवाह बनेंगे। इस समय हम बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल में मौजूद है, तमाम जो है छात्राएं यहाँ पर बैठी है और स्क्रीन जो है बाकायदा लगाई हुई है, जो कि 5:20 पर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। और लगातार कहीं ना कहीं बच्चों में भी उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चों का भी ये कहना है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार जो होने वाला है उसको लेकर के बच्चे पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्कूल के अलग अलग क्लासेस में इस तरीके की स्क्रीन लगाई हुई है ताकि जो स्कूली छात्र है वो जो है इस पल को जो है वो अपनी आंखों से देख सके। इसके अलावा फरीदाबाद का एक स्कूल नहीं बल्कि कई सारे स्कूल है जो कि आज इस सॉफ्ट लैंडिंग को जो है वो बच्चों को, छात्रों को जो है वो दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ जो है वो अध्यापक मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है, और जो आज यहाँ पर चंद्रयान की जो लैंडिंग जो है यहाँ पर छात्र देखेंगे, किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की तैयारी की? सर, मेरा नाम संदीप चौहान है और मैं इस विद्यालय में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़ में फिजिक्स प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। सर, जैसा कि आपको, हमें और बच्चे सभी को पता है कि आज हमारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो हमारा बहुत महत्वाकांक्षी मिशन था जो 14 जुलाई को भेजा गया था, आज 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। और हम सबकी यह प्रार्थना भी है और हमें अपने वैज्ञानिकों की मेहनत पर यह विश्वास भी है कि लैंडिंग सफल रहेगी और पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। हम बच्चों से भी जागृति बात करने की कोशिश करेंगे, छात्राएं भी क्योंकि यहाँ पर है तो उनसे हम जानना चाहेंगे, आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग आप देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, शाम को 5 बजे चलेगा, किस तरीके का उत्साह मानते हैं? हम बहुत खुश हैं, पूरा गर्व है कि हमारा यही चंद्रमा पर पहुंच रहा है, अतः पूरी विश्वास है भगवान पर, वैज्ञानिक पे कि ये सफल होगा। लगातार भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है। जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने देखा है हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं सब कुछ, और मतलब हमारे देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा है।
देखिए जागृति, बिल्कुल आज बच्चों में भी उत्साह है और पूरी तरीके से बच्चे भी प्रेयर कर रहे हैं। आज शाम को 5:20 पर सॉफ्ट लैंडिंग जिस तरीके चलेगी, पूरा देश आज देखेगा, पूरा भारत देखेगा, और छात्री जो स्कूली जो छात्र हैं आज वो उसका गवाह बनने वाले हैं, और बेहद खास पल वो होने वाला है, और उसी को लेकर के तमाम स्कूलों में तैयारियां की गई हैं, बाकायदा स्क्रीन लगाई दी गई है जो कि लाइव समय लैंडिंग जो होगी उस लैंडिंग को जो है वो लाइव तरीके से जो है वो बच्चों को दिखाया जाएगा दो शिफ्टों में, क्योंकि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो है वो क्लासेस जो है वो बढ़ा दी गई है, ताकि सभी जो छात्र हैं वो उस लैंडिंग को देखें, और जो बच्चे घर पर हैं उनको भी बाकायदा जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है कि शाम को टीवी के सामने बैठ करके जो है आपको ये जो है सॉफ्ट लैंडिंग देखनी है। बिल्कुल, और बच्चों का ये उत्साह बताता है कि वो कितना उनके अंदर विश्वास है कि चंद्रयान 3 की आज सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और साथ ही साथ ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब स्कूली छात्र भी सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। सीधा यज्ञदत्त आपके पास आना चाहेंगे, आप भी स्कूल में मौजूद है, पीछे की तस्वीरें बयां कर रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है और जिस तरीके से 5 से 6 बजे का टाइमिंग रखा गया है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल प्रशासन द्वारा की गई है? जिस प्रकार यहाँ लेकर के स्कूलों के द्वारा विभिन्न तैयारियां की गई है, मैं इस समय पहलवान की राजकीय कन्या विद्यालय में वरिष्ठ कन्या विद्यालय उसमें खड़ा हूँ। यहाँ जो अध्यापकों द्वारा प्रसारण को लेकर के पूरी तैयारियां की गई है, बच्चों में अति उत्साह है, बच्चों ने सुबह से ही प्रार्थना की है, मंदिरों में जाकर के प्रेयर किया ताकि इसका सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके। जो चंद्रयान 3 है इसको जिस सरकार के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा लगभग 1 घंटे के लिए, इसके लिए बच्चे पूरी तैयारियां मन में एक उत्साहित है, एक बच्चों के अंदर जो इस प्रकार का ऐतिहासिक क्षण जो होने जा रहा है, पहली बार जो इस प्रकार का होगा उसको लेकर के बच्चों में बड़ा उत्साह है, जो बच्चे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बच्चे इसको लेकर के एक उनके अंदर रुचि होगी, विज्ञान के प्रति उनके अंदर एक जागृति पैदा होगी, उसको लेकर के यहाँ पूरी तैयारियां की गई है। और जो अध्यापक बच्चे सुबह से ही यहाँ जो इसकी इंतजार में बैठे हैं, बच्चे इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां ले रहे हैं, और बच्चे जो इसको लेकर के साइंस में किस प्रकार से ये ऐतिहासिक क्षण होगा इसको लेकर के बच्चे उत्साहित बैठे हैं। जी जागृति, मैं इस समय जो कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूँ, यहाँ बच्चे इसकी तैयारियों को लेकर के बच्चे भी बैठे हैं, कहना चाहते हैं, मैं उन बच्चों से बात कराना चाहता हूँ, बच्चे लेकर कैसे उत्साहित हैं कि ये हमारे साथ इनकी छात्रा है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की। मेरा नाम शाइना, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे चंद्रयान के लॉन्च जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है वह जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है, और वह मुझे 23 अगस्त 2023 को वह लैंड कर जाएगा, लैंड करना चाहिए क्योंकि हमें उससे बहुत प्राउड मोमेंट होगी हमारे लिए। वह साउथ पोल पे अगर लैंड करेगा तो वह पहला देश होगा जो वहां पे लैंड करेगा। इंडिया साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है, और हमें बहुत खुशी है इसे उन्नति करने में। चलिए बिल्कुल, आप सभी के पास लौटेंगे और फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का इंतजार देश के साथ साथ दुनिया को भी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, तो वहीं दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, जिसको लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने नेहरू तारा मंडल की प्रोग्रामिंग हेड डॉक्टर प्रेरणा चंद्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। चंद्रयान 3 के जरिए भारत इतिहास रचने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा चंद्रा जी। मैम, कितनी बड़ी उपलब्धि और कितना विश्वास अभी तक की जो है सफल लैंडिंग होती नजर आई? उपलब्धि डेफिनेटली बहुत बड़ी, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत आज वो पहला देश बनने वाला है, साथ ही साथ नए एवेन्यूज को खोल देगा। अगर हम स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स की बात करें तो चंद्रयान 3 जो है वो काफ़ी बड़े बड़े एवेन्यूज खोल देगा। आगे आने वाले समय में इसरो के बहुत से ऐसे मिशंस हैं जो युवाओं को नई फील्ड्स देंगे रिसर्च की, और आगे आने वाले बच्चे जो इसरो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 4 चरण कहे जा रहे हैं कि उसमें जो प्रॉपर लैंडिंग है वो होती हुई नजर आएगी, आम आदमी के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो इस दौरान जो 4 प्रोसीजर जिनकी बात करें, लास्ट मिनट ऑफ टेरर जिनको कहा जा रहा है, उस दौरान स्पीड को बहुत ही ज्यादा नियंत्रित किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, मतलब एक बुलेट के स्पीड में आ रहे वाहन को कम करके बिल्कुल सतह के जब वो ऑलमोस्ट 25 मिनिमम और 50 मैक्सिमम किलोमीटर के दायरे में होगा उसको सीधा किया जाएगा, स्पीड को होल्ड किया जाएगा, साथ ही साथ एक एक धीरे धीरे स्टेप
एक और चलिए सरबजीत आपसे भी जानना चाहेंगे, स्कूल में आप मौजूद हैं और ऐसे में सभी कक्षाओं के जो छात्र हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग देख सके, इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और खासतौर पर जो छात्र वहां पर मौजूद हैं आज उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बात करें लगभग जो है पूरी तैयारियां की जा चुकी है और बच्चों को जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है चंद्रयान 3 की वो दिखाई जाएगी। आप देख सकते हैं मैं सब्जी मंडी स्कूल में खड़ा हूँ यमुनानगर के, और बच्चे जो है वो अभी से इतने उत्सुक है, इतने उत्साहित है कि उनको लग रहा है कि आज देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक विज्ञा है, हम बात करते हैं बच्चों से, पूछते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है आपको, बच्चे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है, मैं आज चंद्रयान 3 जो है वो सफा भी उतरने जा रहा है शाम को 5:20 आपको उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, कैसा जोश है, कैसा उत्साह है? जब हमारे देश तिरंगा चांद पर लहरा जाएगा और हमारे बुलेटिन के जरिए हमें बहुत ही गर्व है कि हम इस देश के वासी हैं और हमें क्या देखना देखिए जाएगा। देखिये बिल्कुल छोटी सी बच्ची ने बोला है कि उनको बहुत गर्व होगा जब भारत का तिरंगा जो है चांद की सतह पर लहराया जाएगा, और इस चीज को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए बच्चे जो है बहुत ही उत्सुक है, ललायक है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 5:20 हो और वो चांद के ऊपर जो है चंद्रयान 3 के उतरने की सॉफ्ट लैंडिंग की जो है उसको अपनी आंखों से जो है ऐतिहासिक पल को देख सके। जी बिल्कुल परमजीत आपके पास भी लौटना चाहूंगी, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का तो लाइव प्रसारण जो है सीधा स्कूलों में दिखाया ही जाएगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित करेंगे, क्या उसका प्रसारण या उनका संबोधन भी छात्र सुन सकेंगे? बिल्कुल देखिए देश के प्रधानमंत्री जो देश को संबोधित करेंगे उसको लेकर भी लोगों को जो है संबोधित किया जाएगा, और देखिए जो छोटे बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब की बार जो है ये जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो बिल्कुल जो है सक्सेसफुल हो, तुम्हारे साथ बच्चे हम तुम्हारे रहेंगे। गुड़िया क्या नाम है आपका और भगवान से आपने प्रार्थना की है क्या कहेंगे? मेरा नाम समिया, मैं गवर्नमेंट मॉडल जो फर्स्ट चंद्रयान 1 था हो जाएगा, कितना उत्साह मानते हैं बच्चों में, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसकी खुशी में हम देखने के लिए कि ये जब लैंड होगा तो हम स्कूल में हमारे स्कूल में दिखाया जाएगा कि लैंड होगा तो उसकी क्या लैंडिंग होगी, क्या क्या है वहाँ पे, ये पहली बार दिखाया जा रहा है पूरे में, हम सभी प्रेयर करते हैं चंद्रयान 3 मैम आप क्या लगता है क्या कहना चाहेंगे, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है स्कूल की बात करें जो है प्रिंसिपल सर ने मॉर्निंग में। चलिए बिल्कुल परमजीत लौटेंगे आपके पास, और जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का आज सभी को इंतजार है, सीएम मनोहर लाल ने चंद्रयान 3 को लेकर कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने जा रहा है, पूरा देश इस महान पल का इंतजार कर रहा है, अंतरिक्ष में भारत की इस बड़ी छलांग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी मानवता की उपलब्धि होगी, मैं इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं और इसरो और हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है, सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं, हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है, पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं, यह हमारी ही नहीं मानव मात्र की उपलब्धि होगी, मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो पूरा देश आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की प्रार्थना कर रहा है, छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।